प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शहला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हम सबकी चहेती भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी दबंग वकील नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, जितनी इंटरेस्टिंग होगी उतनी दमदार होगी, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नाज़िया जी, यहाँ पे एक मैंने जो आपका लेटर पढ़ा और मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, उसमें आपने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि मैं मौलाना साहब यहाँ पर कोई सियासी बयानबाजी के लिए नहीं आना चाहती, मैं विमेंस को एम्पावर करना चाहती हूँ, और क्योंकि हमारा जो मुस्लिम समाज है वो दलित समाज से भी बहुत पीछे रह गया, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पिस रही हैं वो खवातीन ही पिस रही हैं। अच्छा, ये 3 नोटिफिकेशन आपके चले गए, क्या मौलाना ने कोई रिस्पॉन्स किया या आपको कोई लेटर आया ना खुदा मस्जिद से आपके लिए, क्योंकि आप जो करने जा रही हैं वो आज से पहले किसी ने नहीं किया है। इस 4 बिलियन के जो मुसलमान है, जिसमें मेरे ख्याल से 1.5-2 बिलियन के करीब मुसलमान औरतें होगी, किसी ने जुर्रत नहीं की ना किसी मौलाना से भिड़ने की, और ना ही ये जो कानून अब औरतों के लिए और मुसलमान मर्दों के लिए बना दिया गया है। अब मस्जिद की कम्युनिटी आपको क्या रिस्पॉन्स कर रही है, ये भी तो बताएं, क्योंकि कुछ घंटे अगर कल चांद नजर आ जाता है तो ईद है, कुछ घंटे बाकी हैं, आपका मिशन कहां तक पहुंचा? देखिए, इससे पहले रमजान जैसे मुबारक महीने के दूसरे जुमा की नमाज मैंने जोर जबरदस्ती जा करके टीपू सुल्तान मस्जिद शाही मस्जिद में पढ़ा था। जोर जबरदस्ती करके? क्यों जी? इमाम साहब मुझे रोड पर पढ़ने की इजाजत दे रहे थे, मस्जिद के दरवाजे पर, मुझे मस्जिद के अंदर जा करके पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे थे। तब मैंने, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किया जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कि आप यहाँ पर सियासत करने आई हैं। तब मैंने उनसे कहा, टिपू सुल्तान मस्जिद शाही मस्जिद के इमाम को, कि अगर मैं सियासत करने आती तो मेरे साथ 10,000 मुस्लिम महिलाएं तो जरूर होती, मैं अकेले आई हूँ अपने ड्राइवर के साथ अकेले, और पूरी पुलिस और पूरा मुसलमान वहां पर गवाह है, और पूरे प्रेस मीडिया वाले वहां पर गवाह हैं कि मैं अकेले अपने ड्राइवर के साथ गई थी वहां पर नमाज पढ़ने के लिए। जब मैंने उनको ये बात कही और प्रेस मीडिया को देखने के बाद इमाम साहब ने कहा, चलिए आपको नमाज पढ़ना है, मर्दों की भीड़ में पढ़ना है, चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। और तब उन्होंने मुझे एक बहुत गंदी सी जगह दिया, एकदम खराब सी जगह, पीछे में अंडरवेयर लटक रहा था, गमछा लटक रहा था, कच्छा लटक रहा था, खाए हुए प्लेट रखे हुए थे मस्जिद के अंदर, और इतनी बदबूदार और इतनी अनहाइजीन जगह थी। लेकिन मेरी नीयत साफ थी, मुझे रमजान के दूसरे जुमा की नमाज सफ में खड़े होकर पढ़नी थी, और जाहिर सी बात है कि जब हम बचपन से लेकर पहली बार मस्जिद के अंदर एंटर किए हैं और सफ में खड़े हुए हैं तो आंखें इधर उधर घूम ही जा सकती हैं, और क्योंकि हमें सफ में पढ़ने की तो आदत नहीं है कि मर्द पढ़ते कैसे हैं नमाज, तो उसको भी देखने के लिए मेरी आंखें ऊपर उठ रही थी कि कब झुकना है, कब उठना है, कब खुतबा सुनना है। उसमें भी मुझे मुसलमान भारत के मर्दों ने बहुत ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया, इतना बेइज्जत किया है कि मैं तुमको बता नहीं सकती हूँ शैला, आई नो बट आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वर्ड कि किस तरह से मुसलमान मर्दों ने मुझे ट्रोल किया। मेरी हिम्मत अफजाई नहीं की कि इसने अपना इस्लामिक हक लिया है, इसने वो किया है जो मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में होता है, वही इसने भारत की धरती पर शुरू करने की कोशिश की है। एक भी सराहनीय बात मुझे मुसलमान मर्दों की तरफ से नहीं आया, पर हाँ, सराहा मुझे किसने? सनातनियों ने सराहा, क्रिश्चियन ने सराहा, यहाँ तक के आबू धाबी और अरब से मेरे पास मैसेजेस आए हैं और मेल आए हैं कि नाज़िया जो तुमने किया है वो हिम्मत का काम है। ये आबू धाबी का मेल और मैसेज मेरे पास आज भी रखा हुआ है, और जुबैर नाम का एक लड़का है जिसने मुझे इतना ट्रोल किया है, उसको मैंने नोटिस भेजी है और मैं सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर केस करूंगी। अब आती है बात कि मैं वहां पर ऑलरेडी डिफेम हो चुकी हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ, मैं अपने लीगल राइट को मैं लेकर रहूंगी और एक दरवाजा खोलूंगी अपनी मुसलमान बेटियों के लिए कि वो भी मस्जिद जा सकती हैं और अपना बराबर का हक ले सकती हैं मस्जिद के अंदर, बिल्कुल बराबर का हक ले सकती हैं। अरे, मुसलमान मर्दों की आंखें बेहुदा हैं, आप हमें क्यों डिप्राइव कर रहे हैं, आप हमें क्यों आप बैन कर रहे हैं, हमें क्यों आप हमारे हकूक से बिल्कुल बेघर कर रहे हैं? मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह सिर्फ क्या मुसलमान मर्दों का है, मुसलमान औरतों का नहीं है। तो इस बार भी शैला, आप स्क्रीन पर दिखा रही हैं कि श्रीमती ममता बैनर्जी मुसलमान मर्दों के भीड़ में और हजारों कैमरा के सामने वो स्पीच दे रही हैं, और हजारों लाखों
210,000 लास्ट ईयर रेड रोड में नमाजी थे, मोर देन 210,000, और उसकी भीड़ में वो अकेली वाहिद औरत थी और वो गई थी और शाही इमाम उनके बगल में खड़े हुए थे। आप कंटिन्यू फोटोज दिखा रही हैं अपने स्क्रीन पर। तो जब हजारों कैमरा लेकर के लाखों मर्दों की भीड़ में एकमात्र ब्राह्मण हिंदू महिला जा करके ईद की नमाज को पार्टिसिपेट कर सकती है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करने वाली, अल्लाह एक है पाक और बेऐब है, ये तस्नीम करने वाली, ये एक्सेप्ट करने वाली और अपने मुसलमान होने पर फक्र महसूस करने वाली मुसलमान बेटी नाजिया इलाही खान क्यों नहीं मस्जिद जा सकती है, क्यों नहीं अपनी बात रख सकती है। चौथा सवाल आपका था कि मैंने अपने पिटिशन में जो मौलाना साहब को मैं बार बार भेज रही हूँ, 3 पिटिशन मेरे जा चुके हैं और आज फिर गया है, आज फिर मेरा क्लर्क लेकर के गया है, उसमें मैंने लिखा है कि हम दलितों से भी एडुकेशन में पीछे हैं। हमारा भारत एडुकेशन में 79% एडुकेट लोग हैं भारत में, 79%, आपको पता होगा क्योंकि आप जियोपॉलिटिक्स पर सबसे ज्यादा काम करती हैं पाकिस्तान में। तो 79% की आबादी यहाँ पर एडुकेट है, लेकिन जैसे ही माइनॉरिटीज मुस्लिम्स की बात की जाती है हम दलितों से भी पीछे। तो क्या मैं उस ईद की नमाज में क्या इकरा का को वाजह नहीं कर सकती हूँ, क्या इकरा पर मैं अपनी बयान नहीं दे सकती हूँ, जब श्रीमती ममता बैनर्जी 10 मिनट की दूरी रेड रोड पर वो पॉलिटिकल स्पीच दे सकती हैं, वो हेटरेट स्पीच दे सकती हैं, वो भड़काऊ भाषण दे सकती हैं, वो सियासत का मैदान खोल सकती हैं, तो मैं कुरान के पहले वर्ड इकरा के बारे में नहीं बोल सकती हूँ अपनी अपनी बहनों को? मैं तो बोल ही सकती हूँ। अब देखिए बदकिस्मती मेरी कि उस ब्राह्मण महिला को बुलाने के लिए शाही इमाम से लेकर के पूरी कमेटी, मुसलमान की कमेटी पश्चिम बंगाल की बड़ी जोश में है कि फिर से वो आएंगी, लाखों रुपए खर्च होगा उनके आने में, बड़ी सिक्योरिटी होगी, लेकिन मुसलमान बेटी मस्जिद जाना चाह रही है तो इमाम साहब उसके पिटिशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सही बात है, राइट तो वैसे अल्लाह ताला ने दिया था। अच्छा अगर हम इसको सनातन धर्म के साथ थोड़ा लिंक करके देखते हैं तो वहां पर तो मंदिर में औरतें और मर्द दोनों जाते हैं, एक साथ जो है वो आरती करते हैं, खाना काबा की आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, वहां पर भी साथ होते हैं, लेकिन जो मौलाना लोगों का जो इस्लाम है जिसकी जो हमारी जिंदगी के अंदर रच बस गया है, ये तो यहाँ तक कहते हैं कि आपने खुशबू लगाई और किसी ने वो खुशबू सूंघ ली और उसकी नीयत खराब हो गई तो उसका गुनाह भी औरत को ही मिलेगा। अगर हमने बाल कटवा दिए, बाल अच्छे से बना लिए और किसी को हमारे बाल पसंद आ गए तो वो भी गुनाह हमको ही मिलेगा। और अगर हमने खुद को सच सवर के बाहर चले गए और हमने अपनी मर्द, हमारा मर्द तो जाहिर काम पे होगा, उसका गुनाह भी हमें ही मिलेगा, तो इनको क्या मिलेगा? इनको जन्नत में 72 वर्जिन हूर मिलेंगे, हमें कोड़े मिलेंगे क्योंकि हमने अपने चेहरे पर क्यों पाउडर लगा लिया, हमने अपने बदन पे परफ्यूम क्यों लगा लिया। अच्छा ये इनसे नहीं पूछेंगे कि भैया तूने औरत को गलत नजर से देखा क्यों, तेरी नजरें बेहुदा हुई क्यों? नहीं, तेरी नजरें बेहुदा हुई क्यों? आखिर देखो आप के यही मुसलमान मर्द पाकिस्तान और भारत के जब तवाफ करने जाते हैं, जब हज करने जाते हैं, जब उमरा करने जाते हैं, तब तो ये आराम से औरतों के साथ तवाफ करते हैं क्योंकि इनके दिल में डर होता है कि अरब जो है ना वो कट्टर मुसलमान है और कट्टर इस्लाम वाला है, जैसे ही औरत को छूछाप करेंगे हाथ काट देगा, औरत के लिए जैसे ही गाली मुंह से निकालेंगे वो जुबान काट देगा, औरत का जैसे ही बलात्कार करेंगे वो औजार काट देगा। ये बात बहुत अच्छे से पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को पता है कि इस्लाम में पनिशमेंट बहुत सख्त है, और यहाँ आने के बाद ये क्या क्या सबको सुनाते हैं, ये हदीस सुनाते हैं, ये सही अल बुखारी सुनाते हैं, कुरान के किस पन्ने और किस पारा में, किस सूरा और किस वर्सेज में 135 फुट की 72 वर्जिन हूरों का जिक्र है? किसी भी सूरा में नहीं। और इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है जब ये अरब पहुंचते हैं, तब ये समझते हैं, तब इनको पता होता है इन मुसलमान मर्दों को, इन लफंदरों को, कि भाई यहाँ तो मर्द और औरत का दर्जा बराबर है, यहाँ तो तवाफ बराबर करना पड़ेगा और आंखें उठाकर देखोगे बस आएगी अरब की सरकार और तुम्हारी आंखें नोच करके निकाल लेगी। आप सोचो ना कि ये क्या क्या फतवा देते हैं और ये क्या क्या खुतबा में सुनाते हैं, जुमा के खुतबा में कभी भी शिक्षा के बारे में नहीं सुनाते हैं, कभी भी बेटियों के इज्जत आबरू के बारे में नहीं सुनाते हैं। ये क्या सुनाते हैं? अगर कोई औरत
अगर कोई खवातीन अगर बदन में खुशबू लगा करके बिना मर्द के निकल जाए और किसी मर्द को उसने अपनी तरफ रागिब कर लिया तो उसको जन्नत में प्रोस्टिट्यूट का दर्जा मिलेगा, ऐसे करके बोलता है। गलत टीचिंग है, नहीं करना चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ मस्जिद जाना शैला स्टार्ट कर रही हूँ, मैं तो मुसलमान बेटियों के लिए दरवाजा खोलना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद एक एक मस्जिदों के बाहर मैं अल कुरान लेकर खड़ी रहूंगी और खुतबा सुनूंगी, उसको रिकॉर्ड करूंगी और उस खुतबा पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी कि फला मौलाना ने फला झूठ बोला है, फला मौलाना ने फला मस्जिद में फला जुमा के खुतबे में फला झूठ बोला है, ये भी मैं करूँगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ जो कट्टरपंथी है बल्कि जो जिहादी से लेके मजहब के ठेकेदार हैं उनकी भी पोल खोल के रख दी, उनको भी आड़े हाथों लिया। और जैसे कि आपने देखा नाज़िया खान जी ने ये बात की कि कैसे मस्जिदों में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहां पे औरतों को पूरे हक नहीं दिए जाते खासकर इस्लाम में, और जो भारत में एक बहुत बड़ा फैक्ट चेकर बनता है यानी मोहम्मद जुबैर, उसको भी आड़े हाथों लिया और उस पर भी केस करने की बात की। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, हम तो सैल्यूट करते हैं नाज़िया लाई खान जी की बहादुरी को। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।